इफ एक्स इज इक्वल टू सेक ए प्लस साइन ए एंड वाई इज इक्वल टू सेक ए माइनस साइन ए, प्रूव दैट 2x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बाई टू टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, हमारे पास x और y का वैल्यू गिवेन है और हमें ये हमको सॉल्व करके 1 प्रूव करना है। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन पे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके हम लोग चलेंगे और 1 लाएंगे इस क्वेश्चन में। क्लियर, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 2 बाई एक्स प्लस वाई। एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है, सेक ए प्लस साइन ए प्लस वाई का वैल्यू क्या है, सेक ए माइनस साइन ए। क्लियर, प्लस ये पूरे का होल स्क्वायर। देन उसके बाद एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, सेक ए प्लस साइन ए माइनस, ब्रैकेट लगा लेंगे तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाई टू और टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखो कि साइन ए माइनस का और साइन ए प्लस का ये कैंसिल हो गया, सेक ए प्लस सेक ए हो जाएगा 2 बाई 2 सेक ए टू द होल स्क्वायर प्लस। अब उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना। जब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो सेक ए से सेक ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेक ए माइनस का और सेक ए प्लस का है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन ए और प्लस साइन ए मिला के कितना हो जाएगा, 2 साइन ए और टोटल का डिवाइडेड बाई 2 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये हम लोगों का 1 प्रूफ हो गया, मतलब कि ये चीज़ हम लेके चले और 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। क्लियर,